सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे। आज ही क्लास में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीजेस बाय 30%। ठीक है, दाल की कीमत 30% से बढ़ गई, बाय हाउ मच परसेंट शुड ए पर्सन शुड ए पर्सन नेम नलिनी शुड रिड्यूस हर कंजम्पशन सो दैट हर एक्सपेंडिचर ऑफ पल्स डज नॉट इंक्रीज। नलिनी अपने कंजम्पशन को कितना कितने से रिड्यूस करे ताकि उसका कंजम्पशन ताकि उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना। सो द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू इज जस्ट 30 seconds, नहीं जस्ट 2 minutes, एंड इन ऑर्डर टू रिमाइंड यू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अपन ने एक चीज पढ़ी थी पिछले के पिछले क्लास में, अभी पिछली क्लास में अपन ने एक चीज पढ़ी थी जो कि ये थी, एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, मैं आप लोगों को वो फॉर्मूला बता देता हूँ। 100 प्लस माइनस, आई होप आप लोगों के पास फॉर्मूला लिखा होगा। यस, द फॉर्मूला वॉज इफ ए क्वांटिटी इज एक्स परसेंट मोर देन दिस तो उसका इस तरीके से होता है, तो यू हैव टू टेल मी बाय हाउ मच परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हर कंजम्पशन सो दैट उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट लेट मी मूव कम टू दैट स्लाइड। Here is the question and your time starts now. फॉर्मूले देता है, ठीक है, तो जैसे आपको फ्रेंड ने टाइप किया दिन का क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेम That the price of pulses increased by 30%. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। By how much percent should Nalini reduce her consumption so that the expenditure of pulses does not increase? अच्छी बात है सर। Let us solve the question. हमने मान लिया, what we assume that she is consuming 1 kg of pulse. ठीक है, वो 1 kg of pulse 1 kg दाल खाती है एक महीने में, और उसका जो इनिशियल प्राइस है, द इनिशियल प्राइस इज ₹100, तो उसका एक महीने का एक्सपेंडिचर ऑन पल्सेस विल बी इक्वल टू 100 पर केजी। सो हर 1 month एक्सपेंडिचर ऑन पल्सेस विल बी इक्वल टू नथिंग बट ₹100। अब क्या हुआ दोस्त कि 100 रुपए से प्राइस बढ़ के कीमत हो गई ₹130 पर। ठीक है, 100 रुपए से बढ़ के इट इंक्रीज टू ₹130 पर। अब मेरे को चूंकि आई वॉन्ट दैट माई कंजम्पशन शुड बी ₹100 हो, ठीक है, तो व्हाट आई विल से दैट लेट आई एम ईटिंग एक्स केजी नाउ। I'm eating x kg now. So x into 130 should be equal to 100. So x will be equal to 100 upon 130. X will be equal to 100 upon 130. अब मुझे क्या बताना था कि उसको कितना रिड्यूस किया उसने अपना कंजम्पशन। इनिशियल उसका कंजम्पशन कितना था 1 kg, न्यू कंजम्पशन कितना है 100 upon 30। इनिशियल कंजम्पशन सी आई वॉज 1 kg, सी एफ वॉज 100 upon 130। सो व्हाट आई विल डू, आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन
So that will be equal to CF minus CI upon CI multiplied by 100. So it will be equal to 1 minus 100 upon 130 divided by 1 into 100. So it will be basically 30 upon 130 into 100. Cancel kar do. So finally it is 3 upon 13%. 3 upon 13%. अब याद करो कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 1 upon 13% की वैल्यू कितनी होती है. 1 upon 13% की वैल्यू होती है कितनी होती है, किसी को याद है? याद करो, मुझे तो नहीं याद. 1 upon 13 की वैल्यू होती है 7.69%. माई डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन जो आएगा, आई थिंक अनन्याज आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट. 1 upon 13 की वैल्यू होती है 7.69%. सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 3 upon 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 into 7.69. सो इट विल बी रफली अबाउट 23%. इट विल बी रफली अबाउट 23%. अगर आपको इसको ऐड करना है तो इट विल बी 21 + 1.8 + 0.27. सो इट विल बी 23.07%. अनन्या वाज परफेक्टली ऑल राइट. द आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज 23.07%. आई होप आई यू यू गॉट योर मिस्टेक. व्हाट वाज योर मिस्टेक? ठीक है, I hope you got your mistake that this was your mistake that you were doing. क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे बेस चेंज हो जा रहा है. So initial the consumption was 1 kg. In your case initially the consumption was 3 kg. But in final case it was less than 3 kg. It was less than 3 kg. So final minus initial divided by initial जब आप करोगे, you are doing some mistake on in the calculation. That is why I was laughing. When you were explaining. Chalo, next question. Chalo. Again, the time allotted for this question is just 2 minutes. First, chalo, theek hai. Dekhte question. Bhai, do dost hai, Ram aur Shyam. Ram ki jo salary hai, wo Shyam ki salary se 20% zyada hai. तो शाम की सैलरी राम की सैलरी से कितना कम होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन. पहले एक काम करो, पहले शाम को लिखते हैं, पहले काम करो, सबसे पहले यहाँ शाम को लिखो, यहाँ पे राम को लिखो. अगर शाम की सैलरी 100 रुपीज है तो राम की सैलरी विल बी +20% मोर देन दैट ऑफ श्याम, दैट इज इक्वल टू 150. ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितना कम है. यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 20 का. लेकिन 20 का डिफरेंस कितने पे है? 120. सो द परसेंटेज डिक्रीज विल बी 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू 16.66%. This will be equal to 16.66%. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं. राम की सैलरी 20% ज्यादा है श्याम की सैलरी से. अगर राम की सैलरी 100 है तो श्याम की सैलरी विल बी 120. और जब उसकी सैलरी 120 है तो इन दोनों की सैलरी का डिफरेंस कितना? 20%, 20 रुपए. और पूछा क्या है? हाउ मच इज श्याम इनकम लेस देन राम इनकम? हम लोग जब पहली क्लास पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोग को बताया था कि जब ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मच ए इज लेस देन बी, तो हम क्या करते हैं? बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100 करते थे ना. हाउ मच ए इज लेस देन बी, आई एम सॉरी, हाउ मच ए इज लेस देन बी, ए जो है वो बी से कितना कम है, तो अपन क्या करेंगे? बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100. लेस देन के बाद जो आता है दैट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लेस देन राम सैलरी है तो राम की सैलरी कितनी थी दोस्त? 120 रुपए. तो डिफरेंस
डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100। हमारे दोस्त ने पिछले सवाल में यही प्रॉब्लम, यही गलती की थी कि उन्होंने डिफरेंस को निकाल दिया था, अच्छे से निकाल दिया था, लेकिन डिवाइडेड बाय में गलती उन्होंने कर दी थी। तो अगर यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो जो आंसर मिला अगेन कम एज 20%, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। तो लेस देन के बाद जो वर्ड है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, लेस देन के बाद जो वर्ड होता है That is very important. ठीक है, अगर less than श्याम होता तो आप divided by श्याम की सैलरी करते, अगर less than राम से तो आप divided by राम की सैलरी। Please, please, please be careful in these छोटी छोटी और बहुत ही मेहनती बातें, इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे दोस्त बहुत प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट। Again, the time allotted for this question is बहुत आसान। देखो, एक कोई फ्रूट सेलर है, बहुत अच्छी बात है, फ्रूट सेलर है तो है, उसके पास 2000 फ्रूट्स हैं, उसके पास 2000 फ्रूट्स हैं, सच क्या है? 20% ऑफ द फ्रूट्स आर, 20% आर मैंगो, और टोटल है कितना? 2000। 25% आर बनाना, बहुत अच्छी बात है सर, और जो रेस्ट है वो क्या है? ऑरेंज। करेंगे कैसे सर? 20% इज मैंगो। अब देखो, कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके, जो आसान तरीका होता है वो समझो, समझने की कोशिश करने से बता रहे, ये जो 2000 होता है ना, ये क्या होता है? बहुत अच्छा नंबर, दिस इज नथिंग बट 20 into 100। ठीक है, जो 2000 है वो 20 into 100। ठीक है, यहां तक कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अगर मुझे 20% ऑफ 2000 निकालना है, अगर मुझे 20% ऑफ 2000 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 20% ऑफ 100 निकालूंगा, और जो भी रिजल्ट आए उसको 20 से मल्टीप्लाई। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 100 का 20% निकाल लिया और जो भी रिजल्ट आया उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 20 से मल्टीप्लाई किया सर? क्योंकि 2000 इज नथिंग बट 20 into 100। इस चीज की अहमियत आपको अभी नहीं समझ में आएगी, बट व्हेन यू विल स्टडी फॉर एमपीएससी नेक्स्ट ईयर, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। अभी तो आप डायरेक्ट 2000 into 20 upon 100, आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू इज 2000 into 20 upon 100, दैट विल गिव मी 400 तो हो गए मैंगो, 2000 into 25 upon 100, दैट विल गिव मी 500 एज बनाना। Similarly, the rest are oranges. ये कितना हो गया? 400 plus 500 is 900. The oranges will be 2000 minus 900, which is equal to 1100. That you can do. No problem. सबने ऐसे किया है, इसलिए मैंने इस तरीके को डिस्कस किया। What you will do is, एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, इस तरीके से सोच सकते हैं, mangoes will be 20% of 20 times of 20% of 100, 100 का 20% कितना होता है बेटा? 20, so 20 into 20 will be 400. Similarly, banana will be 20 times of 25% of 100, 100 का 25% कितना होता है? 25, so it will be 500. Oranges will be, अब इन दोनों को जोड़ के 2000 से घटा दो, इट विल बी 2000 माइनस 900, इट इज इक्वल टू 1100। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ओवर, क्वेश्चन समाप्त, मजे करो, आगे चल। अरे ये क्या हो गया? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट
दिस वॉज ऑल अबाउट परसेंटेज, अगर किसी को कोई किसी को कोई डाउट है यहाँ तक चलो देखिए। जब मैंने 14.28% को देखा, when I saw this 14.28% for the first time, मेरे मेरे दिमाग की घंटी बजी, और ऐसी दिमाग की घंटी आपकी भी बजनी चाहिए। जब मेरे दिमाग की घंटी क्या बजी सर, मेरे दिमाग की घंटी ये बजी कि गुरु हो ना हो, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन सेवन। वन अपॉन सेवन का जो फ्रैक्शनल इक्वलेंट होता है ना दोस्त, वो 14.28%। नाउ माय क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन को समझते, एक बॉल है जो कि यहां से ड्रॉप की, दिस हाइट इज 4802 मीटर। पहली बार जब इसको ड्रॉप किया गया थी SCM, उसके बाद इट जंप टू ए हाइट दैट इज 1/7 लेस देन इट्स प्रीवियस हाइट। यानी कि अगर टोटल हाइट h है, पहली बार अगर उसको h हाइट से ड्रॉप किया गया तो वो दूसरी बार में 6/7 h तक, यानी कि यहां तक पहुंच। तीसरी बार में वो 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 6/7 h तक पहुंच, और चौथी बार में इट विल रीच टू, पहली बार फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टाइम में इट विल रीच टू 6/7 इंटू होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एच, और चौथी बार में इट इज आस्किंग हाउ मच, व्हाट हाइट विल द बॉल रीच ऑन इट्स फोर्थ बाउंस। ये दिस वाज फर्स्ट बाउंस, दिस वाज सेकेंड बाउंस, दिस वाज थर्ड बाउंस एंड दिस वाज फोर्थ बाउंस। सो फोर्थ बाउंस में द बॉल विल रीच 6/7 होल क्यूब टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब अप्रोच। नाउ बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्या है पिक्चर, अब देखो इसको सॉल्व कैसे। सिक्स बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई 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 4802। अब जब मैंने 4802 को तो देखा ना, तो मेरे दिमाग को फिर से घंटी बजी, टिंग 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 टिंग, आपके दिमाग में बजनी चाहिए, अभी नहीं बज रही तो कोई बात नहीं आगे बजे। क्या घंटी बजी, घंटी ये बजी कि गुरु दिस इज समथिंग स्पेशल। क्या स्पेशल है, अब ऐसे तो ये कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा है। मैंने क्या सोचा कि काम करते तू बाहर लेके, फैक्टराइज करते नॉर्मली अपन क्या करते, कोई बड़ा सा नंबर दिखता है फैक्टराइज करते, फैक्टराइज करते तो सबको पहले क्या करते, टू से फैक्टराइज करते। जब मैंने इसको टू से डिवाइड किया ना, अब मेरे दिमाग में द्वारिकाधीश मंदिर वाला घंटा बजा, टांग 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 टांग। क्या घंटा बजा सर, ये जो 2401 है ना, दिस इज नथिंग बट 49 स्क्वायर। जब अपन स्क्वायर थे, स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था जिस 2401 49 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 2401। ठीक है, नहीं याद है धीरे धीरे याद, 49 का जो स्क्वायर होता है 2401। इसी से तो ना, अब मुझे करना क्या है, मुझे 6 raised to power 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये 2401 से जो नीचे वाला है, दिस इज 7 raised to power 4, दिस इज नथिंग बट 49 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2401। ये दोनों क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, 2 into 6 to power 4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, माय डियर फ्रेंड, 2 into 36 into 36 कैलकुलेट करूंगा, और 36 का जो स्क्वायर है, 36 का जो स्क्वायर होता है ना दोस्त, वो कितना होता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 36, कम ऑन टेल मी, इट्स स्क्वायर इज 1296 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्क्वायर ऑफ 36 इज
स्क्वायर ऑफ 36 इज हाउ मच, कोई कैलकुलेटर यूज करके बता जल्दी। स्क्वायर ऑफ 36 इज 1296, 2 इनटू 1296, सो द आंसर विल बी 2500 प्लस 2500 प्लस ये कितना बचा, प्लस इट विल बी 46, दैट मींस इट विल बी बेसिकली 2400 प्लस 192 इज इक्वल टू 2592। यू गाइस गिव द आंसर एज करेक्ट, बट द मेथड दैट यू यूज वाज रॉन्ग, बट द मेथड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। पढ़ाए कभी प्रॉफिट एंड लॉस पहले लाइफ में, कभी कुछ पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लाइफ में, बताओ जिस से यस और नो, हाँ सर पढ़ा है या हाँ सर नहीं पढ़ा है, कम ऑन, यस सर, क्या पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताइए, व्हाट हैव यू रेड अबाउट दिस प्रॉफिट एंड लॉस टिल नाउ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओके, और गेन लॉस, ओके, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन लॉस, और कुछ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन लॉस, और कुछ पढ़ा है बेटा, जब और कुछ है ही नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से। चलो मैं तुम लोग को एक कहानी बताता हूँ, मैं भी जो है मैं जब भी प्रॉफिट एंड लॉस क्लास में स्टार्ट करता हूँ तो मैं इस कहानी से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली अभी हम लोग चाहे भी तो अभी अपन अब ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते बिकॉज देर इज हार्डली 10 मिनट्स लेफ्ट इन द क्लास, ठीक है। तो वॉट वी विल डू इज आई विल टेल यू स्मॉल स्टोरी, ठीक है। देर वॉज ए टाउन in India, ठीक है, there was a town in India and that the name of that town was Ajab Desh, the name of that town was Ajab Desh, ठीक है। अब इस Ajab Desh में, इस Ajab Desh में what happened, there used to live a merchant, ठीक है। उस Ajab Desh में, Ajab Desh में there was a merchant Mr. X, ठीक है। अब मिस्टर एक्स यूज टू सेल से फ्रूट्स, ही वाज बेसिकली ए फ्रूट सेलर। अब होता क्या था कि अब फ्रूट्स उसके घर पे तो थे नहीं, ही वाज वेरी पुअर, सो व्हाट ही यूज टू डू, ही यूज टू ट्रेवल एंड ही यूज टू गो टू सम डिफरेंट प्लेस एंड फ्रॉम देयर ही यूज टू ब्रिंग द फ्रूट्स। तो जिस प्लेस पे वो जाता था और जहाँ से वो फ्रूट्स लेकर आता था और जिस प्राइस में वो फ्रूट्स लेकर आता था, दैट प्राइस वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर दिस मिस्टर एक्स। तो वो मिस्टर एक्स जहाँ से जाके जिस प्राइस में ये फ्रूट्स लेकर आते थे, दैट प्राइस वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर मिस्टर एक्स। अब हुआ क्या, अब ये आ गए अपनी फ्रूट्स लेकर आ गए अजब देश में। नाउ व्हाट ही डिसाइडेड, सपोज करो कि वो 100 रुपये का एक सेब लेकर आए, 100 रुपये का एक एप्पल लेकर आए, एक ही एप्पल लेकर आए और उस एप्पल की कॉस्ट थी 100 रुपीज। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये यहाँ पे आए तो इन्होंने सोचा कि अब मेरे को इस एप्पल को बेचना है, सो व्हाट ही थॉट कि आई विल सेल दिस एप्पल एट, मैं इस एप्पल की प्राइस थोड़ी सी तो बढ़ा ही सकता हूँ ना, क्योंकि मैं गया, मैंने मेहनत की, मैं लेकर आया, तो एटलीस्ट आई कैन इंक्रीज दिस प्राइस लिटिल बिट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके जो प्राइस है 20% बढ़ा देता हूँ। 20% किसका, 20% आपके कॉस्ट प्राइस का। मैं क्या करूँगा, मैं जो 100 रुपीज़ में अपना एप्पल लेकर आया था, मैं 20% इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ एंड आई विल सेल इट एट ₹120, ठीक है। आई विल सेल माई एप्पल एट ₹120, सो दिस 120 विल बी सेलिंग प्राइस, this 120 will be selling price. Actually what we will do is we will try to understand this concept like this. उन्होंने क्या बोला कि मैं what Mr. X said that I will increase this price to say 20 rupees, I will increase this price by 20 rupees, so this 120 will become his mark price.
इस 120 विल बिकम हिज मार्क प्राइस। अभी यहाँ पे बेचने की कोई बात ही नहीं आ रही है। जैसे ये बॉटल आप लोग देख रहे हो, ये बॉटल आप लोग देख रहे हो, जब आप इस बॉटल को दुकान पे खरीदने जाओगे तो इसके बॉटम में एक स्टिकर चिपका होता है, ठीक है, इसके बॉटम में एक स्टिकर चिपका होता है जो कि जिस पे कुछ प्राइस लिखी होती है। तो वो जो प्राइस जो दुकानदार खुद अपने मन से लिखता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, दैट इज द मार्क प्राइस और मार्केट, दैट इज द मार्क प्राइस ऑफ योर गुड। तो जो जो एक्स रुपए का जो जो एप्पल था आपका जो कि 100 रुपए का था, उसने क्या किया, मैं इस एप्पल को 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। सो दिस प्राइस बिकम्स मार्क प्राइस एंड दिस प्राइस इज ₹120। अब क्या होता है दोस्त, नाउ व्हाट हैपेंस इज, तो इसने जो है अपना देखा कि मैं इसको ही थॉट दैट ही विल सेल इट एट 120 रुपीज, इज नॉट एक्चुअली सेलिंग इट एट 120 रुपीज, बट ही थॉट दैट आई विल सेल इट एट 120 रुपीज। अब हुआ क्या, एप्पल जो है वो बहुत सारे डिमांड में होता है, एप्पल जो है इट वाज इन बिग डिमांड इन दिस अजब देश। सो व्हाट ही थॉट कि जो इसका जो मार्क प्राइस था, इसी मार्क प्राइस पे लोगों ने एप्पल को खरीद लिया। तो जब उसने मार्क प्राइस पे लोगों ने एप्पल को खरीद लिया, सो दिस 120 बिकम्स द सेलिंग प्राइस, बिकॉज ही सोल्ड द एप्पल एट ₹120, सो हिज सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू 120 रुपीज। तो 100 रुपये का वो एप्पल खरीद के लाया था, 20% उसने एप्पल की प्राइस बढ़ा दी, दैट मीन्स हिज मार्कअप प्राइस वॉज ₹120। और सिंस द एप्पल वॉज इन बिग डिमांड, सो वॉट हैपेंड वॉज कि उसके सारे के सारे एप्पल्स बिक गए, तो हिज सेलिंग प्राइस वॉज ऑल्सो 120। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, से यस और नो, से यस। अब क्या हुआ बेटा, जब उसके सारे के सारे एप्पल्स बिक गए, तब अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए मार्क प्राइस को भूल जाए, ठीक है, जस्ट फॉरगेट द मार्क प्राइस, सिंस द कंसेप्ट वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में जब आपको डिस्काउंट बताऊंगा, अगर मार्क प्राइस पता ही नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए मार्क प्राइस को भूल जाओ, अभी थोड़ी देर बस सेलिंग कॉस्ट प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 थी, सेलिंग प्राइस कितना था, 120 था, तो उसने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, कम में खरीदा एंड ज़्यादा में बेचा, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सो हिज प्रॉफिट विल बी 120 माइनस 100 विच इज इक्वल टू ₹20। हिज प्रॉफिट विल बी 120 माइनस 100 विच इज इक्वल टू ₹20। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, तो प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कैसे होगा प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करते हैं, सो इनिशियल द प्रॉफिट वॉज ₹20, 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 20%। कैसे सर, कैसे हुआ 20%, ये तो आपने कैसे कर दिया, मेरे को नहीं समझ में आया सर। तो नहीं समझ में आया सर तो सुनिए सर, नहीं समझ में आया सर तो सुनिए सर कैसे हुआ। इनिशियल प्राइस कितनी थी 100, फाइनल प्राइस कितनी थी 120, इंक्रीज प्राइस कितनी हो गई 120 माइनस 100 दैट इज 20, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 20%। हुआ कि नहीं हुआ, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 20%। सो माई प्रॉफिट परसेंटेज वॉज 20%, इनिशियल 100 था, फाइनल 120 हो गया, पर प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते थे,
फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 20%। फाइन, इसके फॉर्मूले भी होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आज जो है आज अपन सिर्फ कंसेप्ट की बात करते हैं। अब क्या हुआ दोस्त कि ये तो एक कंडीशन हो गई, अब क्या हुआ कि ये जो हमारे मिस्टर एक्स थे वो 100 रुपये का सेब तो लेकर आए, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि लाते लाते जो है सेब खराब होने लगे, तो उन्होंने क्या सोचा कि काम करता हूँ, इससे अच्छा कि मेरे को लॉस हो जाए, मैं इसकी प्राइस कम करके आई विल सेल दिस एट ₹80 और आई विल सेल दिस एट ₹50 ताकि कुछ तो मिले भाई, खराब हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा तो कुछ तो मिलेगा ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि मैं जो है इसकी सेलिंग प्राइस को कम कर देता हूँ, मैं जो है इसको ₹50 का कर देता हूँ। कहाँ वो 120 का बेच रहे थे, कहाँ उन्होंने 50 का बेचना शुरू कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, ज़्यादा का खरीदा था कम का बेचा, तो यहाँ क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। सो लॉस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 50 माइनस 100 विच इज इक्वल टू माइनस 50, दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट यहाँ पे लॉस हो रहा है। और अगर परसेंटेज लॉस की बात करूँ मेरे दोस्त, तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, 50 दैट वाज माइनस 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, विच इज इक्वल टू -50%। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक, एज ऑफ नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन बिग डिटेल इन द नेक्स्ट टर्न।